नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर नगर फीडिंग इंडिया, कानपुर परिवर्तन फोरम तथा फिक्की फिलो द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए 1000 राशन के पैकेट, जिसमें 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 अरहर दाल, 2 किलो आलू, 2 पैकेट सैनिटरी नैपकिन, 2 पैकेट बिस्कुट, 1 किलो नमक तथा अचार के बनाकर जरूरतमंद लोगों को जिला प्रशासन के सहयोग से वितरण किया गया, जिसे जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य ब्रह्मदेव राम तिवारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर अपने आवास से इस वाहन को रवाना किया। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी वितरण किया जाए वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लोगों को वितरण किया जाए, साथ ही सभी लोगों को जागरूक भी किया जाए कि वे घरों पर रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है, इसका पालन अवश्य करें। लोग अपने घरों के आसपास सफाई रखें तथा अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि सभी लॉकडाउन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होम डिलीवरी के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें फल, सब्जी, दूध, राशन इत्यादि होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। साथ ही सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, राशन, दवा इत्यादि आवश्यक वस्तुएं भी होम डिलीवरी के माध्यम से पुलिस प्रशासन की निगरानी में इन क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर के नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि व्हाट्सएप के जरिए अपना पर्चा भेजकर लोग दवा भी मंगवा सकें। संरक्षण सीडी मीडिया कानपुर अशोक चंद शुक्ला फाउंडर फीडिंग इंडिया कानपुर साहिब सेठ ही उपस्थित रहे। अधिकारी महोदय की बाइक। कि कानपुर के बारे में मैं कहना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का और जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिस तरह पूरा एक आंदोलन लोगों ने खड़ा किया है कि किसी तरह इस शहर में कोई भूखा न सोने पाए, इस शहर में आने वाले के सबके रहने और खाने का प्रबंध हो, इस दौरान जितने गाँव में जहाँ कहीं भी जो कोई लोग हैं सबके लिए बेहतर से बेहतर राहत की व्यवस्था हो, तो कानपुर के नागरिक इसमें प्रशासन के साथ मिल करके फ्रंट लाइन पर आज काम कर रहे हैं और कई सारे कम्युनिटी किचन चले हैं, अन्य मदों में जैसे पीपी किट से लेकर के मास्क, सैनिटाइजर और बहुत सारे मदों में लोग स्वयं आगे आकर के सहायता के लिए आगे आए हैं। सीएम पीएम रिलीफ फंड में, केयर फंड में या जिला स्तर के फंड में भी, और न केवल जो है धनराशि के रूप में वरन प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में लोगों ने बहुत मदद की। इसी क्रम में आज एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है फीडिंग इंडिया और परिवर्तन ने फिक्की के साथ मिल करके कि लगभग 1000 आवश्यक वस्तुओं की जो है उसकी एक किट बनाई है आपने, और ये डेली 1000 किट ज़रूरतमंदों में बांटने का आपका संकल्प है, जो पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बना करके अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं जिनके पास आवश्यक सामग्री नहीं है वो सब इसमें दिया जा रहा है। इसमें चावल, थोड़ा आटा, दाल, साबुन, सर्फ, अचार, नैपकिन, जो महिलाओं की ज़रूरत की चीज़ है, ये सारी वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं। और इस तरह की चीज़ें कि कहीं कोई व्यक्ति जो योजनाओं से आच्छादित हैं, कई सारे व्यक्ति यदि नहीं भी आच्छादित हों किंतु गरीबी के उससे हों, जहां संज्ञान में आता है, तो जनता का जो ये प्रयास है बहुत बहुत अभिनंदनीय है। साथ ही आज मार्बल एसोसिएशन ने, व्यापारियों ने भी अपना प्रतिवेदन दिया है, सहायता दी है, तो इस आंदोलन में जहां पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विजन के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ नेतृत्व में हमारा प्रदेश, जिसमें कानपुर भी हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ करके इसमें सक्रिय प्रतिभागिता कर रहा है, आज कोरोना की लड़ाई में हम सब मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस लॉकडाउन अवधि में किसी को जो परेशानियां हैं उनको न्यूनतम किया जा सके, और सबसे बढ़कर जो अमूल्य है हमारा जीवन उसको बचाने की लड़ाई में किसी को समस्या ना आए, इसको सुनिश्चित किया जा सके, जिससे इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ा जा सके। कानपुर के सभी नागरिकों का और विशेषकर सक्रिय संवाद बनाए रखने